एक बार फिर हम आज मौजूद हैं आईटीआई लखनऊ अलीगंज में, और यहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन हमेशा की तरह किया गया है। कब तक ये मेले का आयोजन रहेगा और कितने लोगों को इसके तहत लाभ मिलेगा, कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा, कितने दर बेरोजगारी को कम किया जाएगा, इसको दूर करने के लिए क्या और कुछ किया जा रहा है, इससे जुड़ी सभी बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे सर से। हमारे साथ सर मौजूद है, सर आपका परिचय? मैं एम ए खान, प्लेसमेंट ऑफिसर, आईटीआई अलीगंज लखनऊ। सर ये बताइए, एक बार और यहाँ पर आयोजन हो चुका है और लगातार आयोजन हो रहे हैं ये रोजगार मेला का, तो इससे अभी तक कितना फ़ायदा हुआ है? हमें ये मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं, और उसके क्रम में हमारे डायरेक्टर श्री हरकेश चौरसिया जी के द्वारा आदेशित किया गया है कि हर हफ्ते में 2 रोजगार मेले लगाए जाएं। उसके तहत 2 रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं और हर हफ्ते 2 रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में युवा आते हैं और उनका चयन होता है। आज भी हमारे यहाँ 21 कंपनियाँ आई हुई थी, महाराष्ट्र की थी, जिसमें मोस्टली गुजरात, सॉरी मोस्टली इसमें औरंगाबाद की हमारे यहाँ 21 कंपनियाँ आई थी, जिन्होंने बच्चों को चयनित भी किया है और उनको नियुक्ति पत्र भी वितरित किया है। सर जो मुख्यमंत्री का ये जो उन्होंने स्कीम बताया आप लोगों को, उसके तहत आप लोग हर हफ्ते 2 बार इस मेले का आयोजन कर रहे हैं, तो ये कब तक होने वाला है और कितना टाइम, मतलब कितने टाइम तक ही रहेगा ये? अनवरत चलता रहेगा जब तक कि हम रोजगार मेले लगाते रहेंगे, और जब बच्चे आते रहेंगे, जब तक कि बच्चे आना नहीं बंद होंगे, रोजगार मेले चलते रहेंगे। तो रोजगार मेला जो है इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये चलता रहेगा? ये चलता रहेगा हमेशा, ये इस सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को अधिक से अधिक जो है रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाए, उसी के तहत ये है रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सर जो भी ये निर्देश दिए गए हैं उनके अलावा हट करके हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो भी जितने भी बच्चे आए थे उनमें से कितने चयनित हुए हैं और आगे और कितने ज़्यादा हो सकते हैं? अभी तो चयन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन लगभग 150 बच्चे चयनित हो गए होंगे, उनको नियुक्ति पत्र वितरण हो गया होगा, अभी शाम तक जो भी फाइनल डिसीजन होगा कितने बच्चे फाइनल आंकड़े आएंगे। जितने भी बच्चों के फाइनल आंकड़े आएंगे वो सब जितने भी जो भी कंपनियां हैं वो सब बाहर से ही आई हैं, हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आती हो? नहीं, हमारे यहाँ की भी कंपनी आती हैं, कभी कभी हमारे यहाँ की भी आती हैं, कभी कभी नोएडा की भी आती हैं, कभी कभी गुजरात की भी आती हैं, तो ऐसा नहीं है, लोकल कंपनियाँ भी आती हैं। लेकिन आपको पता ही है कि लखनऊ में बहुत ऐसी कंपनी नहीं है, छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, या तो हमारे यहाँ टाटा मोटर भी आती है, HAL भी आती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी आती हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं जो कि, लेकिन जो लखनऊ की कंपनियाँ हैं कभी लखनऊ की आती हैं, कभी बनारस की आती हैं, कभी नोएडा की आती हैं, कभी गुजरात की आती हैं, तो चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया उधर ज़्यादा है तो उस वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है बच्चों की। ऐसी 2-4 कंपनियां कौन सी हैं जो लगातार आ रही हों और इस रोज़गार को देने में वो ज़्यादा सक्रिय रही हों? हमारे यहाँ हीरो होंडा, होंडा सिटी, जॉनसन, हीरो मोटर, अन्य बहुत सारी कंपनियां, टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनियां जो है आती हैं और सिलेक्शन करती हैं। सर एक चीज़ और बताइए, आपने आपसे पिछली बार बात की थी तो आपने कहा था जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर हेजिटेट होती हैं बाहर जाने में, तो उसके लिए अभी और क्या कुछ नए निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ नए फैसले लिए गए? हाँ, हमारे लिए उसके लिए निदेशक महोदय द्वारा विशेष जो है एक काउंसलिंग सेल बनाया है, और बच्चियों को और उनके अभिभावकों को काउंसलिंग करके उनको मोटिवेट किया जाता है, और ये काम हमारे श्री SP निगम जी फोरमैन है, वो उनके द्वारा किया जाता है। तो उस पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ फ़ायदा देखने को मिला? हाँ, काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और बच्चियों को उनके गार्जियंस को काउंसलिंग करने के बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ। लगभग सर क्या टारगेट है आप लोगों का कि जिसको आप अचीव करके ही इस रोजगार मेले का समापन करना चाहते हैं, या फिर मतलब नहीं भी करना चाहते तो भी क्या टारगेट है? पिछले साल हमको टारगेट दिया गया था 1,000, पिछली बार लगभग हमने 8,000 लोगों को जो है रोजगार से जोड़ा, और इस साल अभी टारगेट आया नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे लिए 1,000 टारगेट है, लेकिन जितने भी लोग लग जाएं 8,000, 9,000, 10,000 हम करते रहेंगे। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को और जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना? सर युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ITI करने के बाद घर बिल्कुल ना बैठें,
चाहे उनको 7,000 की नौकरी मिले, चाहे 8,000 की नौकरी मिले, चाहे 9,000 की मिले, चाहे 10,000 की मिले, चाहे लखनऊ में मिले, चाहे गाजियाबाद मिले, चाहे औरंगाबाद मिले, चाहे गुजरात मिले, कहीं पर भी युवा जाएं और उनके ऊपर जो फ्रेशर का टैग है वो हटना चाहिए। एक बार जब उनको नौकरी मिल गई तब फिर उनको क्या होगी, उनको दूसरी नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब एक बार बच्चा जाता है किसी इंडस्ट्री में नौकरी कर लेता है तब उसको पता चलता है कि किसी कंपनी में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम अपना अपग्रेडेशन कर सकते हैं, कैसे हम हायर सैलरी पे जा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चे गांव के होते हैं, उस शहर में आते हैं, ऊँची ऊँची बिल्डिंग देखते हैं तो बेचारे डर जाते हैं। तो फ्रेशर्स का टैग लगने से क्या कोई समस्या है, मतलब फ्रेशर्स का टैग लगा है तो उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं जो कि बाद में मिलती हैं? ऐसा होता है कि जब आईटीआई करके बच्चा सपोज करिए कि 2 साल घर पे बैठ गया, तब कोई कंपनी आती है अगर उसका इंटरव्यू लेती है तो वो पूछती है कि भाई क्या कर रहे थे 2 साल, उसने कहा कि मैं 2 साल कुछ नहीं कर रहा था, तो उसको सिलेक्शन फिर नहीं करती हैं कंपनियाँ। इसलिए मेरा सारे बच्चों को यही सुझाव है कि आईटीआई करने के तुरंत बाद कहीं ना कहीं वो आयोजित हो जाएं, कहीं ना कहीं जब आयोजित हो जाएंगे तो मान लीजिए 1-2 साल रहे, फिर उन्होंने फिर नौकरी छोड़ी, फिर दूसरी कंपनी में गए, तीसरी में गए, चौथी में गए, तो ऐसे धीरे धीरे उनको हायर सैलरी में जाने का मौका मिलता है। कई बच्चों के मन में ये भी तो होता है कि हमको 7,000 की नौकरी मिल रही है या 8,000 की नौकरी मिल रही है, उसके लिए हम अपना घर छोड़ के जाएं, तो 7,000-8,000 में तो आजकल कोई गुजारा ही नहीं होता, तो इस धारणा को कैसे दूर करें? मैडम आप देखिए, आज बीटेक करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, 15-20 हज़ार की नौकरी खोज रहे हैं, अगर आईटीआई करके 7,000-8,000-9,000-10,000-12,000-14,000-15,000 तक की नौकरी अगर मिल रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? शुरू में तो आपको आज हम कोई मतलब सरकारी विभाग भी ज्वाइन करेंगे तो शुरू में 15-20 हज़ार से जो बाबू की तनख्वाह नहीं होती है, तो शुरू में तो सेक्रीफाइस हर आदमी के लिए है। MBBS करके डॉक्टर बनते हैं तो क्या उनकी क्लिनिक शुरू में चलने लगती है? 2-4 साल उनको भी टाइम लगता है। आप हैं, आप पत्रकारिता में हैं, शुरू में क्या आपको कोई 1,00,000 रुपये महीने तनख्वाह मिलती है? आपको भी 15-20 हज़ार-25 हज़ार मिलती होगी, तो वो शुरू का जो फेस होता है वो हर आदमी के लिए सेक्रीफाइस होता है। जब हमने नौकरी ज्वाइन किया था मुझे 4,000 मिलती थी, आज 1,00,000 मिलती है, तो वो ज़िंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका गेन होता जाएगा, वैसे वैसे आपको प्रमोशन होता जाएगा। सर कुल मिला के आप ये संदेश दे रहे हैं कि 7,000 की नौकरी करो लेकिन परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी है, तो करो। जी जी जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे सर हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने बात की, तो बस इतना ही उन्होंने कहा कि जो रोज़गार मेला है उसका आयोजन सरकार जो करा रही है वो लगातार होते रहेगा तब तक जब तक कि बेरोज़गारी की समस्या को एक हद तक दूर नहीं किया जाता है और जो युवा है या फिर कोई भी वर्ग के लोग हैं उनको रोज़गार से जोड़ नहीं दिया जाता है। एक बात और अहम थी कि रोज़गार चाहे 7,000 का हो या 8,000 का, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस श्रम करते रहना चाहिए, उसी से सफलता मिलेगी। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।